पता नहीं दिख रहा इसके। अरे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल देख रहे हैं। तीन मिल जाएगी भाई, पतंग दे देना चार। पतंग सर पेपर वाली दो या? पेपर वाली दे दो, और वो भी दे दो गाड़ी बीच में, गाड़ी चल। एवरीवन कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भाई आज मेरे साथ एक चोट हो गई, तरह मैं थोड़ा सा रोशनी में हूँ। अरे कुछ ज़्यादा ही रोशनी आ गई। तो आज मेरे साथ एक चोट हो गई, मैंने अभी व्हाट्सअप खोल के चेक करा तो आज मेरा एग्ज़ाम है और मुझे पता ही नहीं था। तो अभी मैं जाता हूँ फटाक से एग्ज़ाम देता हूँ, 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है, बट अभी भी लॉगिन हो जाएगा तो मैं जाके फटाक से एग्ज़ाम देता हूँ, मिलता हूँ आपसे 2 बजे के बाद। फाइनली पेपर दे दिया है, बड़ी मुश्किल से अभी पेपर कंप्लीट कर रहा है। अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाला है, 2 बजने में थोड़ी बहुत देर थी क्योंकि पेपर सबमिट करना था 2 बजे और मैंने लॉगिन करा था अपना एग्ज़ाम 12:20 पे, और मैंने इतनी जल्दी कर दिया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो अभी तैयार होता हूँ फटाक से और फिर मैं निकल रहा हूँ घूमने, तो आज आप लोगों को भी घुमाऊँगा। तो चलते हैं फटाक से। और तन में ज़िद कर रहा है कि इसको पतंग लेकर आनी है क्योंकि 14 तारीख को संक्रांत है, तो वो कह रहा हूँ मैं पतंग उड़ाऊँगा, तो भाई आप चलो मुझे दिला के लाओ। तो मैंने बोला यार अभी रुक जा, आज नहीं कल चलते हैं, पर वो ज़िद कर रहा है, अभी कोचिंग आया है वो, तो कोचिंग से आया उससे पहले मैं निकल जाता हूँ, वरना फिर उसको ले जाना पड़ेगा। मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और अभी कैसा लग रहा हूँ बताओ, इसे समझ नहीं आ रहा हूँ ऐसा आ रहा है, कैसा लग रहा हूँ तो बताओ कैसा लग रहा हूँ, कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा हूँ। अभी निकलते घूमने फटाक से, और तन मेरे को पतंग दिलानी है, तकरात आ रही है तो देखते हैं। अभी तो वो कोचिंग है, अभी मैं निकल रहा हूँ, वो आएगा तो उसको फ़ोन लगा के बोल दूँगा तू दरिया जा डिपो तक, तो मतलब वो ऑटो से आ जाएगा या हनी के साथ आ जाएगा, जैसा भी होगा देख लेंगे। अभी निकलते हैं, मैं आता है फिर निकलते हैं। मैं आ चुका है, हेलमेट लेके पैसे दे रहा है, तो फिर हेलमेट पहनते और जैकेट पहनते और निकलते हैं। देखो कितने अच्छे से तैयार हो क्या गाइस, मैं निकल चुका हूँ तन्मय को लेके, और अभी जा रहे हैं हम तन्मय की पतंगें लेने क्योंकि परसों के दिन संक्रांत है और तन्मय संक्रांत के दिन पतंग उड़ाना चाहता है। अब देखो किस टाइप की पतंग लेता है, कैसी लेता है, वो वहीं जाके पहुँच के पता चलेगा। और अभी ठंड लग रही थी मुझे क्योंकि मैं एक पतली सी स्वेटशर्ट पहन के आया था, तो मैंने तन्मय से बोला जैकेट टोपा वगैरह हेलमेट सब ले आना, मतलब मैं दूसरा हेलमेट पहन के आया था, ये वाला हेलमेट नहीं था मेरा वाला जिसमें माउंट लगा हुआ है, मोबाइल वाला माउंट। तो अभी मैंने फिर माउंट में फ़ोन लगा लिया है अपना और फटाक से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली और चलते हैं। अब तो आप लोग व्यू देखें, वहाँ पहुँचते टाइम हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा 10-1 मिनट क्योंकि दूर है, पास में नहीं है, सिटी में जाना है, कर्फ्यू वाली माता जी की लाइन में जाना है, वहीं से मिलेगा। तो यहाँ पर झंडा लगा हुआ देख सकते हैं, और क्या मेरा हेलमेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो मुझे साइड मिरर नहीं दिख रहा है, अच्छा अब दिखने लगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन चलते हैं, अपन भगाएंगे नहीं। ये देखो भाई बिगर सेफ्टी के कैसे गाड़ी भगाते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है इन लोगों को बिगर सेफ्टी के गाड़ी भगाने में भाई। तो अभी मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करें और पहुँच के मिलते हैं। ना तो ये दुकान भी हमारे पापा के पहचान के किसी अंकल की है, पहले हमारे पर हमारी एक दुकान हुआ करती थी तो होलसेल का काम करते थे पिताजी हमारे, तो बस सब यही सामान सिटी से जाता था, बहुत सारे लोग पापा को पहचानते हैं। है तो कहाँ गई रही दुकान, वो रही आगे रही दुकान, वो पतंग दिख रही होगी आपको टंगी हुई, तो बस यही चलना है अपन, इधर जरा गाड़ी दबाते हैं एक साइड में फिर लेते हैं सामान। ये रही दुकान, ये ब्लॉगिंग हो रही भैया, यही लगा ले, लोग पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है यार। तो ये है दुकान, पता नहीं दिख रहा इसके अंदर। अरे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल देख रहे हैं, तीन मिल जाएगी क्या, वो फिर तीन होती ना, क्या होता है तो ये भैया हमारे यहाँ की पतंग की दुकान, मतलब है तो और भी बहुत सारी, यहाँ पे सही साइड रेट में मिल जाती है पतंग। तो भोपाल में ये है हमारे इतवार क्या बोलते हैं कर्फ्यू वाली माता जी के पास में, तो आप लोग आ सकते हो लेने। अरे तन में भाई देखेगा अभी, तो अभी जरा हम भी देख लेते हैं, हेलमेट निकाल देते हैं। अभी ले रहे हैं फर्रे, है
फर्रे आने कागज़ के फर्रे का अलग अलग लेना है या एक ही कलर की रखनी है सब? अलग अलग। हाँ ठीक ठीक, भाई ने अलग अलग दे दिया। वैसे भी हमने परिचय नहीं निकाला हमारे पिताजी का, वरना निकल जाता। और क्या लेना है? चलो कल आऊँगा तो गिट्टा दे दो भैया। कितने वाले ना है? 50 वाला दे दो। 50 वाला गिट्टा ले लिया एक। बीस तीस लच्छा आठ दो भैया 10 का। तो हमारे इधर भी मिल जाती है वैसे, पर हम यहीं से आए। दो कलर के मांझे लिए, ब्राउन और ब्लैक, और एक गिट्टा। गिरी तो घर पे ही रखी है इसकी। और बस दस की चार वाली दिखा दो। चार पेपर वाली दो या? पेपर वाली दे दो, और वो भी दे दो गाड़ी, बीच में गाड़ी जल्दी दे दो। मुबीन भाई कौन है? मुबीन भाई है। अच्छा ये देखिए, ये साइज है, वो छोटा ये साइज दे दो। 10 की 4, 20 की पतंग ले लिए इनने 8। बढ़िया सी फर्रे पन्नी दोनों ले लिए हैं तन्मय भाई ने। हाँ भाई, तो ये ले लिया तन्मय ने सामान। चले तो भाई यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज की पतंग मिल जाती है। भैया दुकान का नाम क्या है अपनी? अच्छा हीना पतंग सेंटर। तो आप लोग यहाँ आ जाना लेना हो तो, जिसको भी चले ला, इसको बैग में डाल ले। चले तो अभी हम निकल रहे हैं घर, और आपसे सामान लेके निकल चुके हैं, मतलब तन्मय की पतंग वगैरह जो जो था वो सब ले लिया और जा रहे हैं। अब निकल रहे हैं घर के लिए। थोड़ा सा अंधेरा का माहौल हो गया, वैसे तो अपन निकलते ही रात में थे, बट आज मन नहीं है रात में निकलने का, क्योंकि अभी हम दिन में ही घूम लिए थे। और तन्मय को जो जो दिला लेना था उसने, पतंग वगैरह, मांझा, सद्दी, मतलब वही पतंग उड़ाने के लिए, तो वो सब ले रखा है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे कटने चालान बिगर मार्क्स के, बहुत तगड़े स्तर पे। तो अभी हम निकल चुके हैं, जाते हैं घर, और घर पहुँचेंगे सीधे वहाँ पे। हाँ होगा भाई बड़ा यूट्यूबर, कोई बात नहीं। तन्मय को अभी एक बंदा देखा जिसके पास कोई बड़ी गाड़ी थी, और वो अभी जो भगा के निकला था आपने देखा है? अच्छा रॉयल इनफील्ड की थी। अच्छा रॉयल इनफील्ड की थी भैया कोई सी, तो पता नहीं कौन सी गाड़ी थी। अभी हमें रास्ता मिल जाए तो हम निकले। तो हमने सामान ले लिया तन्मय भाई के लिए, पतंग, धागे, गिट्टे, और अभी हम जा रहे हैं घर की। और तो हमने पापा का नाम इसलिए नहीं लिया, वैसे तो वो अंकल हमारे पापा के पहचान के थे, और ना मैंने फेस रिवील करा ना तन्मय ने, क्योंकि वो पहचानते तो हैं। मैंने तो हेलमेट ही लगा कर रखा था, उतारा ही नहीं। वो पहचानते हैं, जो चीज़ हमें दूसरे रेट में मिली है वो हमें थोक के रेट में मिल सकती थी उस दुकान से, बट हमने जानबूझ के पापा का नाम नहीं लिया। यदि ये पापा के साथ जाता तो ये जिसने इसने जितनी पतंगें ली है इससे डबल लेकर आता इतने ही रुपए में, और इतना ही इससे ही अच्छा सामान लेकर आता, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि वो होलसेल की दुकान भी है। तो ठीक है भाई, अब हम गए थे तो हमने नहीं लिया, पापा का नाम अच्छा नहीं लगता हमें ही खुद ही। तो अभी है हेलमेट वाला कौन इधर साइड था नीचे, देखो हम 200 रुपये में कितनी सारी पतंग लेकर आए। ये 5 रुपये का एक फर्रा, यानी कि लोग 7 रुपये में बेचते, तो ये कितने तन में 10 है ना, 10 कागज़ के फर्रे हैं, कागज़ वाली पतंग है, और 8 पन्नी वाली है जो 20 रुपये की आई। आप यहाँ से लोगे लोकल से तो महंगी पड़ेगी। और ये एक रियली में 10 वाला फर्रा है, जो कि कितने का आती है, जो कि यहाँ पे कितने की देते, 15 रुपये का देते ना ये वाला। हाँ 15 का ये है, 50 का ये गिट्टा है, 20-20 वाले ये दो गिट्टे हैं। यहाँ पे ये 40 के मिलते हैं, यहाँ 80 के मिलते हैं, और 10-10 रुपए के खुले मांझे। यहाँ इतना 10 का खुला नहीं मिलेगा आपको,
कम ही मिलेगा, तो 10-10 के 3 का मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे इतना मान जा आपको 20 का मिलेगा, तो मैं टोटल बता देता हूँ 50, 60, 70, 80 रुपए के ये पतंग है, 30 ये हो गए, 110 और 40 ये कितने होते भाई 150 और 50 का गिट्टा 200 रुपए में इतनी सारी पतंग। क्या खा रहे हैं? सो गाइस हम पार्ले जी खा रहे हैं। तो गाइस हम अभी पार्ले जी खाएंगे चाय से, और ये रखे इसके मांजा, और हमने चक्रील भी पूरी भर दी है 3 गिट्टों से, 90 रुपए से चक्रील, और ये 30 रुपए ही और 120 रुपए का माल है इसके पास पूरा पतंग उड़ाने के लिए, और 80 रुपए की पतंग पड़ी है। तो अभी हम चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस यहाँ चल रही है बहुत जोरों शोरों से तैयारी तन्मय भाई की पतंग उड़ाने की, क्योंकि मम्मी तो कल चले जाएगी नानी के यहाँ, क्योंकि हमारे नाना जी का पहला त्यौहार है। तो ये देखो ये पतंग रखी है, इन पर टेपिंग, मैंने उसको थोड़ा सा दिमाग दे दिया कि ऐसे ऐसे कर ले वरना वह सही नहीं रहेगा, और उन पर क्या बोलते हैं कन्ने बांध रहा है, कन्ने बांधेगा। और ये कुछ फर्रे रखे हैं 10-15 वो पतंग है। दादी आ गई, दादी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। और गोली दवाई कराने चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, सुबह चलो सुबह चलते हैं। तो भाई ये ऐसे लोग हैं, इतने बीमार होने के बाद भी मुझे दूध गर्म करके दे रहे हैं। देखो गर्म हाथ जल गया मेरा, अभी रखा लाके तो मेरे को इतनी जल्दी आवाज़ दे दिया, ठंडा भी नहीं करा मैं। हमेशा ठंडा करने के बाद आवाज़ देते हो, और आज बिगड़ ठंडा करे आवाज़ देती कि दूध ले लो, हाथ जल गया गिलास से मेरा। तो अब ये इतनी रात में मैगी खा रहा, रात के 9:30 बज रहा है और इसको अभी मैगी लग रही है, जबकि घर में खाना बना, इधर देख के बात करो। हेलो, देख रहे हो इतनी रात में मैगी खाना है लड़का 9:30 बजे। ले कर भाई, क्या मैगी मैगी खाता रहता है। अभी टाइम हो रहा है रात के 12, और मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है, और तन्मय भी जाग रहा है अभी, और अभी ब्लॉग एडिट कर लिया, बस ये वाली क्लिप और एडिट करना है, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, और जो वो बेल आइकन है ना वो भी ज़रा प्रेस कर देना, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब।